हाय गाइस, कैसे हो? तो गाइस, आज के इस वीडियो में ना मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपके कैमरे में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, कैंट स्टार्ट कैमरा, प्लीज़ रीस्टार्ट योर फ़ोन। तो गाइस, आज के इस वीडियो में ना मैं आपको इस प्रॉब्लम का सलूशन बताने वाला हूँ। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जान लेते हैं किस तरह से आप ये कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो चलिए जान लेते हैं किस तरह से आप इस प्रॉब्लम को जो है ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए ना आपको सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाना होगा, और सेटिंग में जाने के बाद आपको नीचे जाना होगा। नीचे आपको एक ऐप्स ऑप्शन देखने को मिलेगा, ऐप्स, तो आपको ऐप्स पे क्लिक करना है, ऐप्स मैनेजमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सर्च कर लेना कैमरा, कैमरा पे आपको जाना है। कैमरे पे जाने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा स्टोरेज, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे क्लियर डेटा क्लियर कैसे कर देना है, तो क्लियर डेटा क्लियर कैसे कर देना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पे परमिशंस का ऑप्शन देखने को मिलेगा, परमिशंस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप परमिशन पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, तो आपको यहाँ पे सभी परमिशंस को जो अलाउ कर देना है। तो यहाँ पे ना मेरी दो परमिशन पहले से अलाउ है, तो यहाँ पे ना नीचे जो परमिशन अलाउ नहीं इनको भी मैं अलाउ कर देता हूँ। तो अगर आपकी पहले से अलाउ है तो बहुत ही अच्छी बात है, तो ये आपको अलाउ कर देना। उसके बाद आपको यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद आपको फोर्स स्टॉप पर क्लिक करना है और फोर्स स्टॉप कर देना है। उसके बाद आपको एक और काम करना है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अपने डिवाइस को रिस्टार्ट कर देना है। अगर आपने अपने डिवाइस को रिस्टार्ट नहीं किया तो ये जो प्रॉब्लम है वो फिक्स नहीं होगी। तो आपको ये तो आपको करना ही करना है। तो आपको डिवाइस कैसे रिस्टार्ट करना है, तो इसके लिए आपको अपने मोबाइल की पावर बटन को प्रेस करके रखना होगा कुछ देर तक। उसके बाद आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, तो आपको ऊपर रिस्टार्ट कर देना है। तो यहाँ पे अभी मैं आपको लाइव रिस्टार्ट करके नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने अपना फ़ोन जो रिस्टार्ट कर दिया तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो वीडियो कट जाएगी। तो आपको रिस्टार्ट कर देना है, जिसके बाद आपका जो मोबाइल है वो स्विच ऑफ हो जाएगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली एक दो सेकेंड के अंदर ऑन हो जाएगा, 10 से 15 सेकेंड के अंदर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, जिसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो गई होगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में।